ज्यादा मीठा नहीं अम्मी, चिकन भरा हुआ है, फुल तैयारी। अरे पहले से बता दिया। ओ सैलेड भी, इतना इंतजाम मेहमानों की तरह। अरे तो फिर ये देखो अभी से खोलो। पिज्जा की और अम्मी की मेहनत है तो। अरे तो खोलो। क्या है? अच्छा रोटी है ना इसमें? हाँ तो ऊपर वाला खोलो। अच्छा मीठा। चलो थैंक यू रिजाम। रूम इतना अच्छा जमा दिया तुम लोगों ने। लेकिन तुम आ गई तो फिर से वैसा हो जाएगा। रहने दो रहने दो। लेकिन बहुत अच्छा कर दिया अम्मी, एकदम साफ पूरा इतना हम फैला के गए थे। दिन से लगे रहे बेचारे सब लोग। परवीन की मेहनत हमारी सबकी मेहनत है। अम्मी सबसे सलाम तक सब आपको बहुत मिस करते हैं व्लॉग में। सबको अस्सलाम वालेकुम, सबको छोटे बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। आसालू आई अम्मी, बहुत खुश है, बहुत खुश। अब तो खुश हो आ गए, भूख लगी है खाते। ये डिनर सेट पिछले 4 महीने से यहाँ पे रखा है, खुलेगा या नहीं अम्मी? आज खुलेगा। वाले लड्डू आपके लिए स्पेशली लेके आए, शायद आपने खाए होंगे जब हम लोग उस बार आए थे, आए थे ना? हाँ खा चुके हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। गोंद के लड्डू है, घाबरा वाले। तुम नहीं खाती? ड्राई फ्रूट। तो मैंने मीठा छोड़ दिया। हेडलाइन चॉकलेट। अल्लाह तुम नहीं सुधरोगे ना। ये क्या है? जॉर्डन। दुबई वाले? हाँ। तो मैं जॉर्डन मिल ही गए आखिरकार। और ये सॉक्स फिर भाभी ने दिए थे। अरे वाह, जॉर्डन के मोजे भी। वाह और ये बहुत सारे पैर इसके। हैप्पी बहुत। आप लोग सोच रहे हो कि बिना कपड़े चेंज वेंज करे खाने बैठ गए, लेकिन सब चलता है ना। हाँ हाँ सबर ही नहीं हो रहा है। बस बस फिर मैं ले लूँ। बस 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 घर आ गया, घर आ गया। इधर यहाँ की मेहनत काम आ गई। रंग लाई हमारी, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, पूरा घर साफ करके रखा है। हाय फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने घर। आप लोगों को दिन भर पकाऊंगी पकाऊंगी, मेरा काम खत्म। इधर रेहान की शामत आएगी अब। हमारी वैसी शामत आ जाती है। शूट नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है 10 दिन के लिए। चलो रेहान नहीं, 15 मिनट में आ रहा हूँ। मेरी बात नहीं सुनोगे? रेहान मेरी बात सुनो। चलता हूँ मैं आपके साथ, अभी 15 मिनट में आ रहा हूँ। फ्रेंड्स ये शादी वाले गिफ्ट्स हैं, इन्हें अनबॉक्स करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। भाई के सेट चल रहे हैं हम लोग, 5:30 पे रेडियो के नीचे आ जाना ठीक है। टॉवल नहीं है भैया, इन लोगों को सोचना चाहिए था। हमें क्या पता आप लोग नहाने वाले हैं, हम तो ऊपर नहाने वाले हैं। भाई फ्रेंड्स आदत नहीं है ना, यकीन नहीं हो रहा है कि शादी होने के बाद सनी के साथ ऐसे घर में रहने आई हो। लेकिन तुम लोग 89 महीने में एक बार आज तुम्हारी बहुत है। क्या बेटा अभी तो मुंबई में हो, ये मेरा इलाका है। बेटा इलाका कुछ नहीं होता, ये मेरा इलाका है। अभी तुम जब इलाके में, तुम्हारा मालिक कौन है? तुम किसके साइड हो? तुम किस साइड में बताओ? ये वाले घर में फ्रेंड्स कर्टन भी नहीं लगे, कर्टन भी लगवाना है और टॉवल्स भी लेनी है। सब ले लेंगे रेहाना, ले लेंगे आज। हाँ, ले लेंगे। क्या अम्मी? अम्मी का मतलब दो भी याद रखना है। कोई शॉपिंग में नहीं जा रहे अभी, कह रहे मॉल जा रहे, दो भी याद रखना। हम चलते हैं भाभी से मिलने और फिर सीरियस से चलते हैं। अभी निकल रहे हैं भाई के सेट जाने के लिए, उनको सरप्राइज देने के लिए। मैं बैठी हूँ पीछे क्योंकि मुझे अपना ब्लॉग एडिट करके आज ही डालना है। यहाँ पे सब बैठे आगे। हाय कर लो। कितने दिनों बाद बैठे हो कार में तुम लोग? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद, चलो चलते हैं। तुम लोगों ने शादी में मेरे पसंद का गाना नहीं बजाया, मैं यहाँ पे बैठ के बजाऊंगी। हमने सोचा था हम सरप्राइज देंगे भाई को, लेकिन भाई को पहले ही पता चल गया क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अंदर नहीं जाने दे रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहली बार आई है? पहली बार आई तो हंस क्यों रही हो? फिर हमने ढेर सारी बातें की, चाय नाश्ता किया, उसके बाद सेट पे सबसे मिले और भाई का शूट देखा और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं ओबेरॉय मॉल जाने के लिए। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा बर्थडे वीक चल रहा है, 3 तक गिनती गिनूंगी, बोल देना। 1। अरे मैंने बोला मुझे रेड कलर का कोई भी फ्रॉक, रेड ड्रेस चाहिए सनी को। और रिजा ने भी अपना फर्स्ट जो गिफ्ट मांगा वो मांगा है रेड ड्रेस। तो सबसे पहले हम गए वीरो मोडा, हमने देखा यहाँ पे ड्रेस मिल जाए, लेकिन रेड ड्रेस नहीं मिल रही थी, रेड टॉप मिल रहे थे, अलग अलग चीज़ें मिल रही थी, लेकिन जो उसको प्रॉपर स्कूल के हिसाब से पार्टी के लिए रेड ड्रेस चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। उसके बाद शायद हम आ गए थे फॉरएवर न्यू, रिजा ड्रेस ट्राई कर रही थी, मैं ट्रायल रूम के बाहर वेट कर रही थी। यहाँ पर रेड ड्रेसेस थी लेकिन जैसी उसको चाहिए थी, जिसमें वो कम्फर्टेबल फील करे वो नहीं थी। फिर हम कहीं और गए और ये कैफ़े कितना प्यारा लग रहा था। फाइनली फ्रेंड्स हमको यहाँ एंड पे आके रिजा का जो क्रिसमस पार्टी का ड्रेस है वो मिल गया है। इतने सारे स्टोर्स देखे, इसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, यहाँ पे मिल गया है ड्रेस। हम आपको घर पहुँच के दिखाते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैप्पी।
सनी जो रोज रोज बर्थडे का सरप्राइज दे रहा था, आज सरप्राइज ये था कि उसने कॉफी लेके रख ली थी जब तक मैं रिजा की ड्रेस ले रही थी। निकल गए घर के लिए। जो खाना है भाभी वो घर पे ऑर्डर करेंगी, तो फिर हम लोग कार में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या खाना है। अभी ब्लॉग एडिट नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा सा टेंशन है। वेज खा लो। 10:30 बजे हम लोग घर आ चुके हैं फ्रेंड्स, और ये तुम भी बच्चे बन जाओ, ये कोई बैडमिंटन खेलने का टाइम है। एडिटिंग का टाइम नहीं, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। अम्मी आप कहाँ थी? बिग बॉस देख रहे थे? कोई नहीं, बिग बॉस की क्या हाल है, हमने इतने दिनों से देखा ही नहीं है। हाँ। कौन आगे जा रहा है? तुमने किया? अभी सब है, देखो कितने डाइट कोक डाइट कोक। तुम रिहान को खूब बिगाड़ो। अब दिन भर के बाद अब टाइम मिला है रात में 1:15 बजे सूटकेस खोलने का, तो अम्मी के लिए जो जो शॉपिंग की थी बस उनको वही अभी मैं दिखा रही थी। ये अम्मी कमरिया बाबा के मेले से, हमने बताया था कश्मीरी आते थे हमारे भोपाल में, तो कह रहे हाँ हम भोपाल जाते थे, तो बेटी खाला कहती यही तो नहीं थे। हमने कहा पता नहीं, बहुत आते थे ना भोपाल, और वो भी रखे थे क्या बोलते हैं अखरोट के पैकेट, तो हमने कहा आते थे वो भी हमारे लिए अखरोट लाते थे। ये वाला भाभी के लिए दोनों दिखा, हाँ उनको जो भी चाहिए, मतलब ये हमें उनके लिए अच्छा लगा था क्योंकि इसका जो कलर है ना थोड़ा पेस्टल टाइप का। और सनी ने ये स्पेशली हमारे लिए पसंद किया था, कह रहा था ये तुम लो, ये गरम सूट। हाँ। सनी की पसंद अच्छी। अरे आपकी शॉल, हमने तुम्हें कलर बताया। हाँ। कानपुर में अम्मी बहुत अच्छी मिलती है शॉल्स और ये सब। ये पश्मीना? नहीं नहीं पश्मीना नहीं, ये कश्मीरी टाइप की। ये भाभी की? ये भाभी की। हाँ ये अच्छी है ना? अच्छी है। ये खजूर अम्मी सरखा भी लाए थे सऊदी से, बेटी खाले ने भेजे आपके लिए। ये मेले से आपके लिए लिए थे अम्मी, ट्राई करो साइज। कलर भी अच्छा है। हाँ। और मेरे कैसे? तुम्हारे तो अच्छे ना। हाँ। भी मुझे लगता है आपका ही है, ये भी आपका है। ये ध्यान मैंने लिया तो अपने लिए था, तुम चाहो तो ले सकते हैं। क्या ये अच्छा है ना ध्यान? अच्छा ध्यान, याद आ रही कुछ कुछ बचपन की चीज लाई ना? ये कब की पुरानी है, कौन सी है? एक्सपायर नहीं है, मैंने पढ़ लिया है। अब आएगी तो पक्का। मैं कह रहा हूँ मेरे कहने से कोई चीज कर लिया कर, एक बार जल्दी से। अरे यार अच्छा प्लीज। बच्चा है ना, जल्दी जाकर। बोलो हाय फ्रेंड्स। हाय दोस्त। हाँ सबा के जहाँ में, सबा के जहाँ में सबका स्वागत है। अम्मी ने कुछ कुछ मेरे लिए लेके रखा है, अम्मी अब वो मुझे दिखा रही है। क्या लेके रखा है अम्मी? खाती हूँ। सबसे बात भी तो करती जाओ, सब आपको हाँ। देख रहे हैं। अब अभी तो इतनी खुश हूँ कि सबा की उसमें मैं लगी हूँ। अच्छा आराम से बात करूंगी, अभी तो रहेगी ना। हाँ। जैसा मुझसे बना है थोड़ी बहुत तेल मेरी पसंद मिलती है कि नहीं मिलती, ये लेके। ये कहाँ से लिया? लिया जहाँ से लिया, वो सो क्यूट। और भी कुछ है? मुझे लगता है मेरे लिए शॉपिंग की है आपने। एक ये लेके सिला के सिला भी दिया। तो ये इसका सलवार प्लाजो, देखो ये कुर्ता। अच्छा दुपट्टे में लेस भी लगा दी है। एक ये भी है। हाँ। सूट है। सर में डालती है ना। हाँ। तो मैंने कहा दुपट्टे मुझे सब कॉटन के चाहिए, वही तो, और अच्छे वाले कॉटन के चाहिए। बहुत अच्छे अम्मी, सारे सूट बहुत अच्छे है, मेरी पसंद का जैसे मैं पहनती हूँ। ये कुर्ता, ये दुपट्टा। ओहो अच्छा ऐसा वाला। हाँ। दुपट्टा कितना अच्छा। हाँ। है, मैं इतने सारे क्यों लिए? और एक जो तुम्हारी फूफी लाई थी ये सिलवा के मैंने रख दिया था। अच्छा। ये भी सिलवा दिया है, ये बिस्मिल्लाह फूफी लाई। हाँ। थी कि? मैंने तुम्हारे लिए सब सिलवा के रख दिए, ये बस इतना ही था कुछ। बहुत है, इतना बस नहीं है, इतने सारे कपड़े। थैंक यू अम्मी, लव यू। ये सब सिला के रख लिए होंगे, आपने हमसे बताया नहीं था, आपके पेट में बात नहीं रुकती, तो आपको लग रहा होगा कब साल हुआ है, मैं उसे दिखाऊं। कब साल हुआ है, हमने कहा जब आएगी आराम से फिर बताएंगे। तब उससे बना इतनी मतलब जिम्मेदारी मैंने पहली बार उठाई है। हाँ, खरीदारी अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, बिजी रहते हैं ना कुछ। हाँ, ना कुछ करते रहना चाहिए। अम्मी ने हमारे लिए गिफ्ट लेके रखा है। तुम अम्मी के लिए क्या लेके आई हो? अम्मी के लिए लाए शॉल सूट वो सब। अम्मी को एक सूट दिला देंगे। हाँ क्यूट है ना, इसके अंदर भी है, खोला नहीं है। वो कह रहे थे ले जा, हमने पूरे वीडियो देखे, सब आपको पसंद आए। देखो एक छोटू सा बैग भी इसके अंदर होगा। तुम ये बताओ तुम कोई बैग की दुकान में काम तो नहीं करते रहे? नहीं मैंने खोला तो अंदर दिखा ना वो। अम्मी इसको सब पता है कि इसके अंदर एक छोटा है, उसके अंदर एक बेल्ट होगा। मान गए लगता है तुमने किसी बैग की दुकान में काम किया। सही बताओ। नहीं, नहीं।
कहाँ कहाँ काम किया है बता? सऊदी में काम किया है। और उससे पहले? इंडिया में काम किया है। इंडिया में क्या किया है? इंडिया में पहले आईसीआईसीआई बैंक में किया, फिर उसके बाद जेपी ग्रुप में किया, और मेडिकल में मामू के मेडिकल में किया, उसके बाद सऊदी में किया। जैक की दुकान में काम किया, दोस्त की दुकान ना उसकी इम्मू की दुकान नहीं है। मतलब मेरी चाहे शादी हो चाहे कुछ हो, बाल मैं ही कटवाऊँ तुम्हारे यहाँ से। अभी हमने सबने सब कुछ खा लिया है। मैंने खाया, क्या खाया मैंने? डोसा। और तुमने क्या खाया? पॉपकॉर्न। और आधा छोड़ भी दिया है इसने अपना बर्गर। मैंने ना मुझे अभिषेक ने एक बार खिलाया था, वो बहुत अच्छा था, मुझे नाम नहीं पता था उसका, तो ये वाला उतना अच्छा नहीं। मिलते हैं नीचे अभी। फिर वहाँ पे हम एक स्टोर देखा जिसका नाम था मेक योर ओन परफ्यूम, तो हमें काफ़ी फैसिनेटिंग सा लगा। आजकल नए नए बिजनेस के ट्रिक्स हैं और जो चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट भी करती हैं ऐसे हमें भी अट्रैक्ट करी। तो हमने उनसे जाके पूछा भैया ये कैसा है, हम कैसे अपना परफ्यूम बना सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि तीन तरह की फ्रेग्रेंस है, एक फ्रेश है और एक फ्लावर वाली है और एक वुड वाली है। तो आप में से जिसको आपको ज़्यादा पसंद है वो ये बॉटल्स में आप ले सकते हैं। तो उनके पास यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कैसा ज्यादा पसंद है, तो हमने कहा हमें फ्लोरल वाली ज्यादा पसंद है, वूडी वाली थोड़ी कम और जो सिट्रस वाली है वो भी थोड़ी पसंद है। तो इस तरह से उन्होंने हमें तीनों का एक मिक्सचर बताया कि इतने इतने परसेंट आप इतना ये डालो। बस हमने वो सारी चीजें उसमें मिक्स कर दी है और यहाँ पे बॉटल में डाल दिया है और उसको प्रेस कर देना है। और इसका प्राइस हमें पड़ा था 2000 के आसपास। दुकान वाला बन के बहुत खुशी मिलती है बेचने में। दुकान खोल लेते हैं, बहुत मजा आता है। कुछ लोग हर जगह अपना मजाक बनवाने को, मुझे जजमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो साइड वालों को लगता है इसको आता नहीं है, तो वो लोग मुझे समझाने लगते हैं कि ऐसे चढ़ो। क्या हुआ रिजा? पार्टी कैंसिल। क्यों? क्या पढ़ाई एग्जाम के बीच में रख दी थी, बोल रहे इफेक्ट होगा। क्रिसमस पार्टी के चक्कर में कल हम लोग एक घंटा ड्रेस ढूंढने के लिए पूरा मॉल घूमे हैं, लेकिन चलो ड्रेस तो मिल गई थी, वो ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छी है तो वो कभी और पहन लेगी। लेकिन स्कूल वालों को पहले बोलना चाहिए ना। हाँ, मतलब बच्चों का ना बहुत मन हो जाता है, फिर वो कैंसिल होता है ना, फिर बच्चों को बड़ा होता है ना, आप सारी सपने सजा लेते हो कि पार्टी में ऐसे लगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कपड़े ले लिए। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी अभी 9 तारीख को बहुत पहले कर रहे थे क्रिसमस पार्टी। ये रिजा का आज बर्थडे वीक का गिफ्ट है, रिजा के सनी भाई की तरफ से। अच्छा है? अच्छा। बाल कट गए? अच्छा, तो मेरे जान कट गई। और से आ चुके थे, उसके बाद हम चले गए थे भाई के पास, कि आज राजवीर भाई आए थे, उनका सॉन्ग जो रिलीज हुआ है कैसे बताएं, काफी अच्छा जा रहा है, आप लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हो, तो वो मिलने आए थे। तो बस हम वहाँ जाके बैठ गए, उनसे बातें बातें की। अभी बज चुका है 12:30, अभी तक हम लोगों ने डिनर भी नहीं किया। बाहर वैसे खा लिया था काफी कुछ, लेकिन ऐसे होता ना रू नहीं भरी, क्योंकि वह बर्गर मैंने आधा छोड़ दिया था। तो अभी बस सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखो क्या खाते हैं। पढ़ाई भी चलती जा रही है, फिर कुछ कर रहे होगे तुम लोग। सनी भाई कहाँ है? मेरे फेवरेट। थैंक यू। कितनी खराब हो केक क्यों? ओ अल्लाह, ये कौन सा वाला केक है? जैसे तुम देखो, जैसे तुम वैसे तुम्हारा केक। मेरी तारीफ पे लगी हो या मेरी बेइज्जती पे लगी हो? नहीं, वो कह रही है बड़े बड़े दांत, फिर वो कह रही जैसे तुम हो वैसा केक। ठीक है, अभी एक सरप्राइज और है, एक मिनट रुकना। केक प्यारा, ये सरप्राइज रिजा को भी नहीं पता है, उसका बर्थडे का भी केक सनी भाई यही रहेंगे, वो हो गया बस। तुम दोनों लोग केक काटो। ये मुझे लग रहा है मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूं। फिर ऐसे ऐसे क्यों कर दूं? ऐसा लग रहा है ऐसे खेलूं। और इसी काम से गए थे हम लोग। आज मेरा बीपी लो है सुबह से।
किसी की तो जैकेट में लग गया, अब मजा आई मुझे, अब सुकून मिला। तुम मालूम है ना मुझे मेरे कपड़े जूते बालों से कितना प्यार है। इन्होंने सरप्राइज दे ही दिया फाइनली, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि सनी ने रिजा के लिए भी सोच के रखा था, तो बहुत अच्छा हुआ कि वो रिजा के बर्थडे तक नहीं रुक पाएगा, उसे जाना है वहाँ पे, उसे काम है। और आज सनी जो है वो मदा के निकल रहा है, दो दिन बहुत जल्दी निकल गए, समझ में ही नहीं आया, राम भी नहीं कर पाए क्योंकि कुछ बाहर भी जाना रहता था, रिजा जान को भी घुमाना था। अभी ना जाओ छोड़ के, अब जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो अम्मी जान? अच्छे हैं। क्या कर रहे थे? तुम कैसी हो? हम सही हैं। बस सनी आ जा रहा, थोड़ा सा उदास। उदास नहीं होना चाहिए, जाना ना लगा रहा है। सब आगे बर्थडे के टाइम पे फिर आ जाऊंगा। नाश्ता वास्ता खाना वाना हो गया? ठीक, हम 2 बजे खाएंगे। ठीक है, आप आराम करिए, फिर इंशाल्लाह आऊंगा, फिर मुलाकात हो। ठीक है, अब क्या है मंकी? तो बंदर देखने को मिलते हैं ना, देख रहे बंदर। अब उसको भी परेशान करना तुम, गलत बात है, लेकिन तुम लोग ये करती हो ना, ये साली, ये भी ध्यान रखिएगा तुम्हारा। नहीं, फिर मारा तुमने उसे, आप सवाल छूने नहीं देंगे। निकलने से पहले अम्मी पड़ा हुआ पानी सबको पिलाती हैं, तो बस वही पी रहे हैं। पूछ रहे थे, चलिए चलिए जा, फिर नहीं, अरे अच्छा ठीक है, हां अच्छा। मैं नीचे तक छोड़ने नहीं जा रही थी, क्योंकि अगर मैं जाती तो फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, फिर मैं रोने लगती, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, हद से ज़्यादा बुरा। लेकिन कोई बात नहीं, सब्र करना चाहिए, आना जाना लगा रहता है।